भारतीय हिंदू महासभा की प्रेस वार्ता हुई संपन्न। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतरी अखिल भारतीय हिंदू महासभा में बड़ा वर्चस्व पार्टी एकजुटता की ओर। लखनऊ आज हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी के प्रति जनाधार का प्रभाव संगठन में दिखने लगा है और इस प्रभाव के चलते संगठन में अलगाववाद के रास्ते पर चल रहे पीयूष कांत वर्मा का साथ छोड़ते हुए सैकड़ों लोगों ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए पार्टी में शामिल हुए। प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष कानपुर राजकुमार सिंह को संगठन मंत्री के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। पत्रकार वार्ता के दौरान मंच को संबोधित करते हुए हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी का संगठनात्मक विस्तार हो रहा है और उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर वर्षों से चला आ रहा विवाद भी खत्म हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह हिंदू महासभा के कार्यों में गति बढ़ी है उससे हिंदू महासभा एक बार अपने पुराने प्रचंड रूप में होगी। इसी को लेकर पत्रकारों से वार्ता करते हुए अखिल भारतीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी, हिंदू महासभा कई गुटों में बटा था, इसमें से कई गुट के लोग आज हिंदू महासभा में एकीकरण के रास्ते पर चल करके एक साथ शामिल हुए हैं और 2022 के चुनाव का आगाज लगभग कितने लोग शामिल हुए हैं आज? सैकड़ों की तादाद में हमारे जो है हिंदू महासभाई जो कि अन्य अन्य गुटों में बटे थे वो एक साथ आए हैं, जिसमें कि प्रथम अनुपम मिश्रा जी हैं जिनको प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, साथ ही साथ संगठन मंत्री हमारे राजेश कुमार सिंह को जो है किया गया है और हरिशंकर मिश्रा जी हरिओम मिश्रा जी को जो है वो उपाध्यक्ष प्रदेश का बनाया गया। सर ये जो इसमें तो जोड़े जा रहे हैं क्या 2022 के चुनाव में कुछ? 2022 की पूरी तैयारी है और हिंदू महासभा सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो पूरी तैयारी चल रही है। हर विधानसभा स्तर पे हमारे जो है वो कार्यालय खुल रहे हैं और पूरी तैयारी है 2022 के चुनाव को लेकर। जनता किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? ऐसे जैसे कि किसानों को लेकर के किसान आयोग का गठन है या जनसंख्या नियंत्रण है, कई ऐसे हिंदू राष्ट्र है, इन मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव में आ रहे हैं। सर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे? बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी अगर मुझे खिलाफ मान रही है तो बहुत आदर है उसका। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं क्या वो कहीं ना कहीं सही है या गलत है? जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको उनकी समस्याओं को सरकार को आगे आना चाहिए, सुनना चाहिए। मैंने कई बार जो है मुख्यमंत्री जी को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि चुनाव आयोग का गठन किसान आयोग का गठन होना चाहिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ।